नाजरीन, ड्रामा सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था। तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा, और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाज़रीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था। तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा, और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाज़रीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था। तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा, और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाज़रीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था। तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा
अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े, मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा। और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाजरीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था? तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े, मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा। और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाजरीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था? तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े, मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा। और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाजरीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था? तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े,
मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा। और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाजरीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था? तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा। और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाजरीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था? तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा। और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाजरीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था? तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा। और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह
अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाजरीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था? तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामला में दखल अंदाजी मत करो, ये मामला ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा, और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाजरीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था? तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामला में दखल अंदाजी मत करो, ये मामला ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा, और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाजरीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था? तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामला में दखल अंदाजी मत करो, ये मामला ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा, और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाजरीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।
सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था। तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा, और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाज़रीन क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था। तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा, और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाज़रीन क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था। तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा, और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाज़रीन क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था। तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा
अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े, मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा। और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाजरीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था? तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े, मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा। और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाजरीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था? तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े, मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा। और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाजरीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था? तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े,
मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा। और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाजरीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था? तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा। और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाजरीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था? तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा। और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाजरीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था? तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामलात में दखल अंदाजी मत करो, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा। और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह
अरूसा को हासिल कर सके। चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाज़रीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था। तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामला में दखल अंदाजी मत करो, ये मामला ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा, और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाज़रीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था। तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामला में दखल अंदाजी मत करो, ये मामला ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा, और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाज़रीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सीरियल इंतकाम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे वलीद अरूसा से मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो अपने वालिद के पास जाएगा और कहेगा कि बाबा कि आपको फूफो का हिस्सा उन्हें देना चाहिए, क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं जिस पर आप लोगों का मुआहदा हुआ था। तो वलीद का वालिद वलीद को मना कर देगा और कहेगा कि तुम इन खानदानी मामला में दखल अंदाजी मत करो, ये मामला ऐसे ही चलते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो। वलीद का वालिद वलीद को टाल मटोल कर वहाँ से भेज देगा, मगर वलीद अरूसा के बिना नहीं रह पाएगा। जब वलीद अरूसा से मिलने उसके घर जाएगा तो अरूसा से कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना हरगिज नहीं रह सकता, फिर चाहे मुझे तुम्हारे लिए सारे जहान से लड़ना पड़े मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मगर उसी दौरान अरूसा का भाई शहजाद आ जाएगा जो वलीद को गिरेबान से पकड़ लेगा और धक्के मारकर घर से निकालेगा, और अरूसा की बहन साइमा वलीद से कहेगी कि हमने अपनी बहन अरूसा की मंगनी मेरे देवर बिलाल से कर दी है, अब मेरी और अरूसा दोनों की शादी एक साथ होगी। तो ये बात सुनने के बाद वलीद और ज्यादा रंजो गम में मुबतला हो जाएगा। वलीद तो चाहेगा कि अब किसी न किसी तरह अरूसा को हासिल कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपने वालिद की तमाम जायदाद भी अपनी फूफो के नाम क्यों ना करवानी पड़े। तो नाज़रीन, क्या वलीद अपने वालिद के खिलाफ बगावत करेगा या फिर अरूसा की शादी बिलाल के साथ होता हुआ देखता रहेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।